और आइए सीधा रुख कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का। जलपाईगुड़ी पहुंचे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रैली संबोधित कर रहे हैं, सीधा रुख पश्चिम बंगाल का। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय सांसद श्री जयंत कुमार राय, जिला के अध्यक्ष श्री बापी गोस्वामी, प्रत्याशी से महेश बागे, राज्य समिति के सदस्य से पार्थो राय, जिला उपाध्यक्ष श्री कमलेंद्र देव शर्मा, अध्यक्ष एससी मोर्चा सेखिल सरकार श्री चंचल सरकार, नगराकटा पश्चिम बंगाल के एमएलए श्री शुक्रा मुंडा, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस माल विधानसभा क्षेत्र जलपाईगुड़ी से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश से रामकृष्ण परमहंस की इस धरती को, मां काली की इस धरती को, देश को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यहां आना और भी आनंददायक है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में चाय बागान के श्रमिकों के साथ साथ गोरखा समुदाय से जुड़े हुए लोगों की भी एक बड़ी तादाद आज यहां पर एकत्र हुई है। इनका संबंध गोरखपुर से, भगवान गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि से है, और इसलिए आज मुझे आप सबके बीच में आकर के आनंद की अनुभूति हो रही है कि आपके बीच में आकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील भी करूं और आपके उज्जवल भविष्य के बारे में एक विस्तृत कार्य योजना भी आपके सामने प्रस्तुत करूं। भाइयों बहनों, पश्चिमी बंगाल का यह चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं है, बंगाल का यह चुनाव हमारे लिए बंगाल के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली पैदा करने के साथ साथ एक सोनार बंगला के सपने को साकार करने का भी एक अवसर है, और इसमें बंगाल के हर तबके के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मुझे भी आपके बीच में आना पड़ रहा है। सोनार बंगला के सपने को साकार होगा तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां भी जिस भी कार्य को आगे बढ़ाया है उसमें सफलता प्राप्त हुई है। देश के अंदर प्रगति के नित नए आयाम छूते हुए भारत ने दिखाई दिए हैं। उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में आज से 4 वर्ष पहले अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न नहीं हो पाते थे, व्यापक अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, विकास एकदम ठप पड़ गया था, विकास के पैमाने पर उत्तर प्रदेश पिछड़ गया था। मात्र 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रगति देश के अंदर सबसे अच्छी प्रगति के रूप में सामने आई है, और वह इसलिए आई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आज के दिन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार।
भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार किस रूप में कार्य करती है? चार वर्ष में उत्तर प्रदेश में 40 लाख गरीबों को सरकारी आवास मिला है, 40 लाख गरीबों को सरकारी आवास, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध करवाया गया, 3 करोड़ 56 लाख गरीब महिलाओं को जनधन अकाउंट में धनराशि उपलब्ध करवाई गई, 1 करोड़ 38 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, 1 करोड़ 57 लाख गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। और आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर 16 करोड़ लोगों को वहां पे निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, 1.5 करोड़ नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में उद्योग लगा करके नौकरी और रोजगार के साथ